A20। तो चलिए झटाक से रिव्यू करते हैं इस फिल्म को और फटाक से आपको बताते हैं कि आखिर फिल्म कैसी और बाकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा क्या, प्यार झगड़ा और लेविन का लफड़ा। तो यहाँ पर श्याम और रुचि जिनके बीच में अभी दरार आ चुकी है, रिलेशन अभी ठीक से चल नहीं रहा है, क्योंकि रुचि को ऐसा लगता है कि श्याम जो है वो केयरलेस इंसान हो चुका है, जिसको अपनी अपनी ज़िंदगी, अपने करियर और रुचि की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। और दोनों आपस में झगड़ रहे होते हैं क्योंकि श्याम को ऐसा लगता है कि रुचि उसको नहीं समझ रही, और रुचि को ऐसा लगता है कि श्याम उसको नहीं समझ रहा है। तो आखिर गलती किसकी है और क्या श्याम जो है वो सुधर भी पाएगा या फिर नहीं, और दोनों के बीच में ये जो गलतफहमी या फिर गड़बड़ी या फिर जो भी सारी चीज़ें चल रही हैं, क्या वो सही हो भी पाएंगी या फिर नहीं, यही हमें इस फिल्म में देखने को मिलता है। और इसके अलावा फिल्म के 50वें मिनट में एक ट्विस्ट हमको देखने को मिलता है जो कि इस फिल्म को एक अलग ही मोड़ देती है, और आखिर वो ट्विस्ट है क्या, इन सबको जानने के लिए तो आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर इस फिल्म की जो शुरुआत है वहाँ पर ये फिल्म एक रेगुलर रूटीन लव स्टोरी जैसी ही लगती है, लेकिन धीरे धीरे ये फिल्म जैसे आगे बढ़ती है और उसके बाद हमको फिल्म के एंड से पहले 50वें मिनट में जो ट्विस्ट देखने को मिलता है, उसके बाद ये फिल्म जिस तरीके से अलग मोड़ लेती है, उस वजह से कहीं ना कहीं ये फिल्म जो है वो थोड़ा सा हमें कन्फ्यूज कर ही देती है। हालाँकि मैं एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो तो बनाने ही वाला हूँ, लेकिन उसके बाद जो हमें समझ में आता है कि भाई असल में ये फिल्म दिखा क्या रही है, फिल्म में हो क्या रहा है और इस फिल्म में आखिर चल क्या रहा है, जिस तरीके से हमें इस फिल्म में देखने को मिलता है, जिस इंटरेस्टिंग तरीके से फिल्म को हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है, वो वाकई में लाजवाब है। भले ही ये फिल्म कुछ नया ऑफर ना करे, क्योंकि इस तरीके के कॉन्सेप्ट पर बहुत सारी फिल्में आ चुकी हैं, लेकिन ये फिल्म कुछ अलग हटकर कॉन्टेंट हमें ज़रूर दे जाती है, और उसी वजह से ये एक अच्छी रोमांटिक फिल्म मुझे लगी, जिसको एक बार तो आपको देखना ही चाहिए। अगर आपको रोमांटिक कॉमेडी फिल्में देखना पसंद है तो हालांकि आपको कॉमेडी देखने को मिले ना मिले, लेकिन अच्छा रोमांटिक फिल्म ये ज़रूर है, जिसको अगर आप चाहो तो एक बार ज़रूर देख सकते हो। मैं खुद आपको रिकमेंड करता हूँ, एक बार इस फिल्म को देखना तो बनता है। और ये फिल्म YouTube पर अवेलेबल है, और जहाँ तक बात रही इस फिल्म को रेटिंग देने की, तो मैं इस फिल्म को रेटिंग दूंगा 6.9 आउट ऑफ 10 स्टार। बाकी अगर आपने इस फिल्म को देखा है तो क्या सोचते हैं आप इस फिल्म के बारे में, मुझे कमेंट में जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई सवाल है सुझाव तो कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में फिर किसी ऐसी मूवी के रिव्यू के साथ में। जोहार।